अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। जे पी सईद 1 मार्च 1932 को औरंगाबाद दक्कन के एक इल्मी अदबी ख़ानदान में पैदा हुए। उनका असल नाम काजी गौस मोहद्दीन अहमदीकी था। घर में जिलानी पाशा के नाम से जाने जाते थे। यही जिलानी पाशा सईद के तखल्लुस के साथ दुनियाए इल्म व अदब में जे पी सईद के नाम से जाने गए। कई शेरी मजमू के खालिक उस्ताद शायर हजरत जे पी सईद को कई अहम इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। उनके शहर में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनके फ़िक्र फ़न पे कई किताबें शाये हुईं, जिनमें प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन और डॉक्टर काजी नबी सदीकी के मज़ामीन भी शामिल हैं। जे पी सईद एक भरपूर फ़ाल और काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार कर 24 नवंबर सन 2009 को इस दुनिया से रुखसत हुए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शफी अय्यूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर-ओ-सुखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश शेर-ओ-सुखन हम लेकर आते हैं हर बार एक नया किरदार आपके लिए, एक शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस सिलसिले में आज आइए हम सफ़र करते हैं दक्कन की तरफ। दक्कन की धरती उर्दू शेर व अदब के लिए बहुत ही अहम और मुमताज़ धरती है। दक्कन की उसी धरती पे उर्दू शायरी के बाबा आदम वली दकनी, जिन्हें हम वली गुजराती और वली औरंगाबादी भी कहते हैं, वो धरती सिराज की धरती है। वो धरती लक्ष्मी नारायण शफ़ीक औरंगाबादी की धरती है। वो धरती सफ़ी औरंगाबादी की धरती है। वो धरती है जहाँ से आज से तकरीबन 375 साल पहले ये आवाज़ आई थी, ख़बरे तहय्युरे इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही। ख़बरे तहय्युरे इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। वो चली समते ग़ैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। ये आवाज़ जिस औरंगाबाद से आई थी, जिस औरंगाबाद की धरती पे सिराज औरंगाबादी आराम फरमा हैं, उसी औरंगाबाद की धरती ने जे पी सईद को जन्म दिया। जिलानी पाशा, गौस मोहद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें दुनियाए अदब ने जे पी सईद के नाम से जाना। जे पी सईद एक ऐसी शख्सियत जो शायर के तौर पे, एक मुदर्रिस के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, एक दिलपजीर और दिलनशीन शख्सियत के तौर पे न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं। जे पी सईद साहब का जो ताल्लुक़ है इस शहर से, औरंगाबाद से, और यहाँ के लोगों से, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कभी ये कह दे कि मैंने सर को नहीं सुना या मैं सर को नहीं जानता। वो एक ऐसे इंसान थे जिनको पूरा मराठवाड़ा जानता था और शहर से उन पर जान निसार करता था, क्योंकि बेशुमार उनके शागिर्द थे। और बहुत महज़ब आदमी, कल्चर्ड आदमी जिसको हम बोलेंगे, एक ऐसा शख्स जिसके मुंह से कभी किसी ने गाली नहीं सुनी। वो जब भी बोले तो मीठी ज़बान बोले और बहुत मोहब्बत से, चाहे कोई मामला उनके सामने आ जाए, वो बड़ी मोहब्बत से वो सारी चीज़ें बताते थे। अपने शागिर्दों से भी वो बहुत मोहब्बत करते थे, ऐसी मोहब्बत कि जो शायद माँ बाप भी नहीं करते होंगे। उनके बड़े से बड़ा कसूर माफ़ करते, उनके मसाइल सुनते, बल्कि हल करने की कोशिश करते, उनकी मदद करते। तो जे पी सईद साहब की एक ऐसी शख्सियत थी जो तमाम तनाज़ात से पाक व साफ थी। लोग उनके दीवाने थे और ये शहर जो है सदियों से तालीमी और इल्मी शहर रहा है। सुकूत हैदराबाद के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वो आ गई थी, मतलब एक तरह से ठहराव आ गया था, अदब की महफिलें वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। ऐसे वक्त में जे पी सईद साहब ने एक छोटी सी अपनी तंजीम का आगाज़ किया जिसका नाम था मतला अदब। इस मतला अदब की तारीख़ बहुत पुरानी है। इसी मतला अदब से हिमात अली शायर ने अपना कलाम सुनाया। इसी मतला अदब में खाई सलीम आते थे। इसी मतला अदब में बशर नवाज़, कई अफसाना निगार जैसे इजाज़ फरात, रफ़त नवाज़, महबूब शकील, नसल पारोटी और बाद की नस्ल में हम लोग भी वहाँ आए और हमने भी उसका उससे फैज़ उठाया। तो ये एक तरह से शहर में उन्होंने एक अदबी तहरीक शुरू की थी जो हर महीने एक जलसा होता था जिसमें जो भी लिख के लाता वो वहाँ पर पेश करता। उस पर बातें होती, तनकीद होती, इस्लाह होती और उसकी जो अच्छाइयाँ होती वो भी बयान की जाती। मोहतरम जे पी सईद इल्मी व अदबी दुनिया में एक मोतबर और मोहतरम नाम है। बुनियादी तौर पर वो मौलिम हैं, साथ ही एक दोहना मश्क शायर भी जो उर्दू शायरी पर महारत रखते हैं, लेकिन उनकी शायरी में भी मौलिमी जलवागर नज़र आती है। हम सईद क्या जाने शेर के तखाज़ों को, हम सईद क्या जाने शेर के तखाज़ों को, हम तो बस तगज़ुल को शायरी समझते हैं। न समझ पाए जिसे अहले सुखन अहले ज़बान, न समझ पाए जिसे अहले सुखन अहले ज़बान, इस कदर शेर के म्यार को ऊँचा न करो। इस मौलिमी के जज्बे ने हज़ारों शागिर्दों को उनका गिरवीदा बना दिया। मिले भी तुम तो सरे बज़्म बात क्या करते, मिले भी तुम तो सरे बज़्म बात क्या करते, बयान दिल की हर एक वारदात क्या करते। यह खूबसूरत कलाम है हज़रत जे पी सईद का। आइए सुनते हैं खूबसूरत आवाज़ में जे पी सईद का ये कलाम। मिले भी हम तो सरे बज़्म बात क्या करते, मिले भी हम तो सरे बज़्म बात क्या करते, बयान दिल की हर एक वारदात क्या करते। मिले भी हम तो सरे सुकून दिल न मसरत है जिंदगी में कोई, सुकून दिल न मसरत है जिंदगी में कोई, तलाश करके भी आबे हयात क्या करते, तलाश करके भी आबे हयात क्या करते, बयान दिल की हर एक वारदात क्या करते। मिले भी हम तो सरे बज़्म बात क्या करते, मिले भी हम तो सरे गज़ल कही के ज़रा दिल का बोझ कम हो सही, गज़ल कही के जरा दिल का बोझ कम हो सही, गुजारनी थी ये बेख्वाब रात क्या करते, गुजारनी थी ये बेख्वाब रात क्या करते, मिले भी हम तो सरे बाज़्म बात क्या करते, बयान दिल की हर एक वारदात क्या करते, मिले भी हम तो सरे बाज़्म बात क्या करते, बात क्या करते, बात क्या करते। हज़रत जे पी सईद की असल पहचान एक उस्ताद शायर की है। उस्ताद शायर इन मानों में कि जे पी सईद पेशे से भी उस्ताद थे, उन्होंने कई नस्लों की जहनी तरबियत की है। जे पी सईद को शायरी में उस्तादाना महारत हासिल की, तमाम असनाफ़े सुखन में तबाज़माई की है हज़रत जे पी सईद ने। जे पी सईद का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि वो पारस पत्थर थे, लोहे को छू दिया तो सोना बना डाला, जिसको छू दिया तूने आईना बना डाला। जे पी सईद उस्ताद शायर थे और बहुत से शागिर्द जिनको उन्होंने तरबियत दी, उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है। यही वजह है कि जे पी सईद के बुज़ुर्गों ने भी उनकी पज़ीराई की, जे पी सईद के हमअसरों ने भी उनकी अहमियत को स्वीकार किया, उनकी अहमियत को तस्लीम किया, और आने वाली नस्लें भी जे पी सईद की मरहून मिन्नत हैं कि उन्होंने पूरी नस्ल की जहनी तरबियत की है। जे पी सईद अपने आप में अदब का, ज़बान का, तहजीब व सकाफ़त का एक मुकम्मल मुरक्कब रहे हैं। जे पी सईद का खानवादा जो है औरंगाबाद का एक मशहूर और साहिब इल्म खानवादा रहा है। ये वाहिद शख्स हैं जो पेशे से मुदर्रिस रहे और ज़ौक़ व शौक़ के एतबार से शायर। एक ज़माने तक मौसूफ़ ने यहाँ के नौजवान नस्ल की, जिनमें बहुत अहम नाम है, सहर सईदी हैं, रऊफ़ अंजुम हैं, आरिफ़ खुर्शीद हैं, और ऐसे कई नाम लिए जा सकते जिनके जहन और दिल की, जिनके शौक़ शेर व अदब की, तहजीब की, और उन्हें वो रमूज़ बताए, सिखलाए जिन रमूज़ से शेर में लताफ़त पैदा होती है और शायरी मुस्तनद होती है। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि बहुत अरसा कम व बेश यूँ समझ लीजिए कि 1950 के बाद एक अंजुमन इनकी बुनियाद डाली, और इस अंजुमन का नाम हैरत अंगेज़ तौर पर ये उन्हीं का फैज़ था, जानते थे ज़बान के रमूज़ से, मतला अदब रखा। अब मतला अदब से मुराद ये कि जो नए उभरने वाले शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, नस्ल निगार हैं, या तारीख़ अदब और समाजियात की दीगर असनाफ़ में तबाज़माई करते हैं, तारीख़ नवीसी हो, सवाने निगारी हो, तो ऐसे नौजवानों के लिए इस पर और बड़े बड़े अफसाना निगार, शायर, नस्ल निगार इन महफ़िलों में शरीक हुआ करते थे। उन्हें मौका फराहम किया कि वो अपनी निगारिशात एक दूसरे के साथ शेयर करें और शिरकत के ज़रिए एक दूसरे की इस्लाह करें, एक दूसरे को समझें, ताकि शेर व अदब का शौक़ ज़ौक़ परवान चढ़े। और औरंगाबाद के जो लिखने वाले हैं उनकी पजीराई हो। सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, मुँह से आवाज़ निकलती है कराहों की तरह, मुँह से आवाज़ निकलती है कराहों की तरह। दरअसल ये खूबसूरत कलाम जे पी सईद का उन तमाम मसाइल की अक्कासी कर रहा है जिससे हम और आप हर रोज़ गुजरते हैं। आइए सुनते हैं जे पी सईद का ये खूबसूरत कलाम। सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, मुँह से आवाज़ निकलती है, मुँह से आवाज़ निकलती है कराहों की तरह, सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, सांस भी चलती है। फिक्र दुनिया को किया तेरी मोहब्बत पे निसार, फिक्र दुनिया को किया तेरी मोहब्बत पे निसार, हमने बरता तेरी यादों को पनाहों की तरह, हमने बरता तेरी यादों का पनाहों की तरह, सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह। शेर अब अपनी ही तस्कीन का सामा है सईद, शेर अब अपनी ही तस्कीन का सामा है सईद, कदरदां आज नहीं कोई भी शाहों की तरह, आज नहीं कोई भी शाहों की तरह, सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, मुँह से आवाज़ निकलती है कराहों की तरह, सांस भी चलती है सीने में तो आहों की तरह, आहों की तरह, आहों की तरह। जे पी सईद के बारे में जब भी बात करते हैं तो औरंगाबाद की वो पूरी तारीख सिमट आती है। औरंगाबाद दक्कन का वो शहर है जो अपनी तारीख़ी हैसियत के लिए, अपनी तहजीबी विरासत के लिए जाना जाता है। अजंता और एलोरा की तरफ से आती हुई, खुलदाबाद की तरफ से आती हुई वो मुअत्तर हवाएं, वहाँ की फ़ज़ाओं में घुली हुई हैं और वो तमाम तर असर हम जे पी सईद के कलाम में भी देखते हैं। जे पी सईद पे बात करने वालों में कभी इरतकाज़ अफजल को भी हम देख सकते हैं, कभी नूरुल हसनैन को हम देख सकते हैं, कभी असलम मिर्जा को देख सकते हैं। ये वो तमाम शख्सियात हैं जो ख़ुद ही इल्म और अदब की दुनिया में अपना बुलंद मकाम रखती हैं, लेकिन जब वो जे पी सईद पे बात करते हैं तो उस बात का भी अपना एक रंग होता है, वो बात भी सुनने के काबिल होती है। जे पी सईद साहब हमासिबत एक ऐसे शायर थे जिन्होंने गज़लें भी कही, मनकबतें हैं उनकी, कसायद है, नज़में हैं, कतई तारीख़, इस तरह से एक हमाजद शख्सियत हमारी औरंगाबाद में गुजरी। अब हुआ ये कि बाज़ नाक़िदीन ने और उनके कई सीनियर दोस्त अहबाब ने ये फतवा भी दिया कि भाई ये जे पी सईद गज़ल के शायर हैं और रिवायती गज़ल के शायर हैं। मैंने जब इनके दोनों मजमूए गुलगश्त मुझे मिला था एक ज़माने में, बहुत पहले जब छपा था उसके फ़ौरन बाद, और उसके बाद शाखे गुल का इजरा भी जब हुआ 2008 या 2007 में, तो मैं भी था वहाँ पर उसमें मौजूद, तो मैंने वो मजमूआ पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि इनकी शायरी में, इनकी गज़लिया शायरी में भी रिवायत का अंदाज़ है, लेकिन वहाँ भी एक किस्म का थोड़ी सी बगावत भी नज़र आई मुझे, यानी रिवायत से बगावत भी नज़र आई। और उसका समरा मुझे कहाँ नज़र आया, उनकी नज़मों में। दोनों मजमू जो है, गुलगश्त भी है और शाखे गुल भी है, इसमें इन दोनों मजमुओं में गज़लें तो है, गुलगश्त में बड़ी तादाद में 105 के करीब गज़लें हैं और 15-20 नज़में हैं, और शाखे गुल में 50 के करीब गज़लें हैं और बाकी नज़में, क़तात, रुबाइया वगैरह सब, नात शरीफ है और मनाजात है, हमदे हैं। और तो मैंने महसूस किया कि क्लासिक की शायरी के फ़िक्री रवैयों से इनहराफ जो है उसकी उम्दा मिसालें उनकी नज़मों में मौजूद है, मुझे उनकी नज़मों में नज़र आए जो गुलगश्त और शाखे गुल में शामिल हैं। ये पाबंद नज़में भी है, कुछ पाबंद नज़में हैं और कुछ नसरी नज़में हैं। तो मैंने महसूस किया कि 70 की दहाई की जो नज़में, उस ज़माने में जो नज़में कही जाती थी और उनका जो लबो लहजा था और उसका जो रंग आहंग था उन नज़मों का, उनसे सईद साहब की जो नज़में थी बड़ी मुख्तलफ मुझे नज़र आई कि उसमें एक नया रंग था, नया अंग था, लफ्ज़ियात भी बिल्कुल अलग थी। और ख़ुसूसी तौर पर दकनी जो अंदाज़ बयान जो है हमारे यहाँ का, वो उनकी शायरी में, नज़मों में के बड़े नहायत संजीदगी से, संजीदा मतीन लहजा और एक ज़माना शनास शख्स जो है वो अपने ख़यालात किस तरह से पेश कर रहा है, उसका नज़ारा जो है, उसका परतव, उसका अक्स जो है वो नज़मों में आपको नज़र आता है, मुझे भी नज़र आया है। हमारी दोस्ती का यही मुख्तसर फसाना है, हमारी दोस्ती का यही मुख्तसर फसाना, तेरा शौक़ खुदनुमाई मेरा ज़ौक़ आशिकाना। ये ख़ूबसूरत कलाम जे पी सईद का है। जे पी सईद का ये ख़ूबसूरत कलाम सनम खान की मखमली आवाज़ में सुनते हैं, जिसे डीडी उर्दू ने ख़ुसूसी तौर पे आपके लिए तैयार किया है। है हमारी दोस्ती का यही मुख्तसर फसाना, है हमारी दोस्ती का यही मुख्तसर फसाना, तेरा शौक़ खुदनुमाई मेरा ज़ौक़ आशिकाना, तेरा शौक़ खुदनुमाई मेरा ज़ौक़ आशिकाना। है अजीब कश्मकश है कि है हम बहमुकाबिल है अजीब कश्मकश की है हम बहमुकाबिल। मेरा दिल तेरा निशाना तेरा दिल मेरा निशाना मेरा दिल तेरा निशाना तेरा दिल मेरा निशाना। तेरा शौक़ खुद नुमाई मेरा ज़ौक़ आशिक़ाना। तेरी चाह थी जो दिल में वो ही रूह थी बदन में। तेरी चाह थी जो दिल में वो ही रूह थी बदन में। ये इधर हुई रवाना वो उधर हुई रवाना ये इधर हुई रवाना वो उधर हुए रवाना। है हमारी दोस्ती का यही मुख्तसर फसाना है हमारी दोस्ती का यही मुख्तसर फसाना। तेरा शौक़ खुद नुमाई मेरा ज़ौक़ आशिक़ाना। तेरा शौक़ खुद नुमाई मेरा ज़ौक़ आशिक़ाना मेरा ज़ौक़ आशिक़ाना मेरा ज़ौक़ आशिक़ाना। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम शेर-ओ-सुखन। आज हम गुफ्तगू कर रहे थे दक्कन के उस मायाना शायर के बारे में जिसे दुनिया जे पी सईद के नाम से जानती है। हज़रत जे पी सईद का कलाम हमने सुना, उन पे माहरीन की राय भी जानी और जे पी सईद के ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ हुए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ, एक और मुमताज़ शायर के साथ। तब तक शफी अय्यूब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।